डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर यानी कि हमारा वैदिक साहित्य। इसके जो सबसे पहले हम जो फैक्ट हैं जो वैदिक लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, हम सबसे पहले उनकी बात करेंगे। यानी कि फर्स्टली फैक्ट टू रिमेम्बर, फैक्ट टू रिमेम्बर। कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो हमें इस टॉपिक के अंदर याद रखने चाहिए, जो बेसिक बातें हैं। एक्चुअली में जो हमारे सिविल के जो एग्जाम होते हैं या फिर और जो एग्जाम हैं, उनके अंदर वैदिक लिटरेचर से रिलेटेड काफी ज्यादा मैटर है, हमारे से पूछा जाता है। इसलिए सबसे पहले जो इसके मेन जो फैक्ट हैं हम उनकी बात करेंगे। फर्स्टली, वैदिक लिटरेचर के अंदर जो सबसे मेन जो वर्णन आता है वो आता है गाय का, यानी काऊ का। वेद में गाय को बहुत ही सम्माननीय जो एनिमल है वो माना गया है। और वैदिक समाज में जो गाय की तलाश की जाती थी, सर्च ऑफ काऊ, सर्च ऑफ काऊ यानी गाय की तलाश, इसको वैदिक लिटरेचर में, वैदिक सोसाइटी में गविष्ठी बोला जाता था। गविष्ठी, गाय की जो तलाश की जाती थी वैदिक सोसाइटी में, उसको गविष्ठी कहा जाता था। और जो ऋग्वेदी काल के दौरान लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन जो था वो था एनिमल रियरिंग। यानी कि पशुपालन। थर्ड मैटर, ऋग्वेद के जो, ऋग्वेद जो हमारा है, इसका कंपैरिजन ईरानी लैंग्वेज का एक ग्रंथ है, ईरानी जो लैंग्वेज है उसका ग्रंथ है एक, जिसका नाम है अविस्ता। इस अविस्ता का कंपैरिजन जो है वो हमारे ऋग्वेद के साथ किया जाता है। ऋग्वेद के साथ में इसका जो कंपैरिजन तुलना है वो की जाती है। और ऋग्वेद में जो सबसे स्मॉल लेवल की यूनिट जो होती थी, ऋग्वेद में जो स्मॉल यूनिट थी उसको कहा जाता था फैमिली, यानी परिवार। साथ में आर्यों के धर्म ग्रंथों में, जो आर्यों के जो धर्म ग्रंथ थे उनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो वेदों को मिली हुई है। वेदास, वेद जो है आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो माने जाते थे। अगला फैक्ट, उसके बाद में क्या है कि आर्यों ने जो सूक्त है, सूक्त में 300 से लेकर 100 तक मंत्र हैं। कितने हैं? 100 तक मंत्र हैं। और इसके साथ में सूक्तों के जो स्त्री रचयिताएं भी हैं, सूक्तों के स्त्री रचयिताएं हैं जिनमें लोपा मुद्रा, और गोसा, और इसके साथ में सची, साथ में पोलोमी, और कांक्षावर्ती। ये प्रमुख है जो वेद हैं, वेद जो वेद है, यानी वेदों को मेनली एपुरुषे भी कहा जाता है। वेदों को ए पुरुषे भी कहा जाता है।
यजुर्वेद की दो ब्रांच है, यजुर्वेद दो शाखाएं हैं जिसके अंदर एक शुक्ल और एक कृष्ण। ये यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, यजुर्वेद की दो ब्रांचें हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद को, जो शुक्ल यजुर्वेद है, इसको वाजनेय संहिता भी कहा जाता है, वाज स्नेही। शुक्ल जो है इसको वाजनेय संहिता भी कहा जाता है। अथर्ववेद में, जो अथर्ववेद है हमारा, इसके अंदर हमें सबसे ज्यादा हमारे जो लोकल ट्रेडिशन है, यानी कि जो लोक परंपराएं है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ में अगला जो हमारा मैटर है वो यह है कि ऋग्वेद काल में, ऋग्वेदिक टाइम पे ऋग्वेद जो काल था, उसमें जो कुल का मुखिया होता था, उसको कुलप कहा जाता था, यानी कि जो कुल का मुखिया होता था उसको ऋग्वेदिक टाइम पे कुलप कहा जाता था। इसके बाद में ऋग्वेदिक काल में जो महिलाएं हैं वो सभा और विदथ में भाग लेती थी, सभा और विदथ। विदथ में भाग लेती थी। ऋग्वेद का जो पाठ करता होता था, जो उसके पाठ को पढ़ता था, ऋग्वेद का जो पाठ करता होता था, उस कैंडिडेट को होत्री कहलाता था। वो कैंडिडेट क्या कहलाता था? होत्री। ऋग्वेद काल के दौरान जो कैंडिडेट पाठ पढ़ता था उसको होत्री कहा जाता था, HOTRI। ठीक है। उसके साथ में क्या है कि जो बढ़ई होते थे ऋग्वेदिक टाइम पे, जो बढ़ई होते थे, बढ़ई जो, उनको तक्ष कहा जाता था, तक्ष, बढ़ई को तक्ष कहा जाता था। इसके साथ में जो वैदिक काल में जो राजकीय कर्मचारी यानी गवर्नमेंट ऑफिसर जो उस टाइम पर जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते थे उनको रत्निक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्निक। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण कर्म कांड के विधि सूचक ग्रंथ है।
इसके साथ में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, का जो ज्वाइंट नेम है वो त्रेई है। संयुक्त नाम, संयुक्त नाम से अगर हम इसको जाने तो इसको त्रेई बोला जाता है। इन तीनों के कंबाइंड नेम को त्रयी है वो कहा जाता है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, जो शब्द है ये मुंडकोपनिषद से सुमिलित है। मुंडी को, मुंडे को उपनिषद, मुंडी को उपनिषद से सम्मिलित है ये। और हल संबंधी अनुष्ठान, जो हल संबंधी अनुष्ठान होते थे वो हल से संबंधित जो अनुष्ठान होते थे उनका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है। शतपथ ब्राह्मण, हल से संबंधित जो हमें बातें मिलती हैं, जो हल से संबंधित अनुष्ठान जो किए जाते थे वो शतपथ ब्राह्मण में मिलते हैं। इसके साथ में जो वैदिक टाइम पे जो व्यापारियों का वर्ग था, ट्रेडर्स जो होते थे, ट्रेडर्स की जो कैटेगरी थी उसको वणिक कहा जाता था। वणिक यानी कि ट्रेडर्स की जो कैटेगरी को वणिक कहते थे। जो भी व्यापारी थे उनको उस टाइम पे वणिक नाम से जाना जाता था। अच्छा, वैदिक जो लिटरेचर है हमारे उसमें जो उष्ण भूमि है उसको, उष्ण जो भूमि होती थी उस भूमि का जो वर्णन है वो खिल्व कहलाता था। जहां कहीं भी उस भूमि का जिक्र आता था तो वहां पे ये वर्ड है मिलता था कि उस भूमि खिल्व। क्लियर। इसके साथ में गायत्री जो मंत्र है हमारा, गायत्री मंत्र, गायत्री जो मंत्र है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिल रहा है। वैदिक काल में जो रूल रेगुलेशन का जनरल जो स्ट्रक्चर था वो राजतंत्र था। जो शासन का जो स्वरूप था वो राजतंत्र था। यानी मोनार्चिकल सिस्टम था। ऋग्वैदिक टाइम में प्रॉपर्टी का जो मेन जो नेचर था, जो रूप था, वो प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, संपत्ति का जो मेन जो नेचर था वो गोधन था। यानी जिसके पास गायें ज्यादा हैं इसका मतलब वो आदमी बहुत ज्यादा पैसे वाला है। पेय पदार्थों में ऋग्वैदिक वैदिक टाइम पे जो पेय पदार्थ होते थे उनमें सोमरस, पेय पदार्थों में सोमरस, जैसे आजकल अपने शराब का सेवन जो लोग करते हैं ऐसे उस टाइम पर पेय पदार्थों में सोमरस का सेवन है वो किया जाता था। उस टाइम पर वैदिक तीन सभाएं थी। वैदिक टाइम पे जो सभाएं थी वो तीन थी।
कौन कौन सी थी? सभा, उसके बाद में विदत, उसके बाद में स्मिति। इनका हम लेक्चर में डिस्कस है वो करेंगे। अभी तो मैं मेन जो इस टॉपिक की जो मेन मेन जो फैक्ट है वो बातें कर रहा हूं मैं। अच्छा, वैदिक सोसाइटी में जो विष, एक वर्ड आता था विष, जो विष वर्ड है ये जो ग्रुप ऑफ विलेज, गांव के एक समूह के लिए होता था। यानी जो विष शब्द है, गांव के एक समूह होता था भाई, 10-20 जैसे, इस तरह से वो इस तरह के गांव के एक जो ग्रुप को है वो पूरे ग्रुप के जो समूह होता था उसको विष है वो कहा जाता था। इसके साथ में वैदिक टाइम पे पुरुषार्थ, चार तरह के पुरुषार्थ थे। कौन कौन से थे? फर्स्ट धर्म यानी रिलीजियन, सेकंड अर्थ मीनिंग, थर्ड काम कर्म, और फोर्थ मोक्ष। ये इस तरह के हमारे वैदिक लिटरेचर के अंदर जो बातें हैं वो आती हैं। मेन मेन जो कंटेंट्स हैं वो हैं, और इससे हमें जो वैदिक लिटरेचर जो है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो जानकारी है वो अवेलेबल हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि भाई वैदिक लिटरेचर के दौरान उस टाइम पे जो वैदिक सोसाइटी थी वो किस तरह से बटी हुई थी, बात करते हैं हम सबसे पहले वैदिक लिटरेचर टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। वैदिक लिटरेचर, यानी कि वैदिक साहित्य, सबसे पहली बात हमारी आती है कि भाई जो वैदिक लिटरेचर यानी वेद, जो वेद है भाई ये कहां से आया? वेद जो है ये विद यानी कि विद का अर्थ होता है जानना, यानी कि किसी भी चीज के बारे में नॉलेज होना, ज्ञान होना। अब स्टार्टिंग में क्या था कि वेद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ओरली जाते थे। जो वेद है वो क्या थे? ओरल थे, मौखिक। ओके, और क्या है कि इसलिए क्या होगा कि इसको जो सुनकर एक्सेप्ट करते थे, जो सुनकर एक्सेप्ट करते थे, जो भी कंडेट होते थे जो सुनते थे, उस मौखिक सुनने वाले कंडेट को श्रुति कहा जाता था। श्रुति, ओके। अब वेद के अंदर क्या है कि वैदिक लिटरेचर में हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और हर वेद के साथ में एक ब्राह्मण जुड़ा हुआ है। हर वेद जो है, जैसे चार वेद है तो वेद के साथ में एक ब्राह्मण जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि ये जो ब्राह्मण कास्ट है, बल्कि ब्राह्मण का मतलब होता है कि जो वेद हैं उनकी जो बातें हैं उनको डिफाइन किया गया उसमें। जिनके वेद समझ में नहीं आए तो उनकी मतलब आप एक तरह से हेल्पबुक कह सकते हैं। ब्राह्मण जो है वेदों की क्या है? हेल्पबुक है। और ब्राह्मण के जो अंतिम भाग जो होता है, ब्राह्मण का जो अंतिम भाग है, लास्ट जो भाग होता है उसको आरण्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? आरण्यक। आरण्य का वो कहा जाता है। आरण्यक जो है ये जो है इनके साथ में उपनिषद जुड़े हुए हैं। उपनिषद, इस तरह से। तो सबसे पहले हम बात करें हमारे जो चार वेद हैं उनकी। ऋग्वेद फर्स्टली हमारा है,
द ऋग्वेदा। ऋग्वेद में क्या है कि 1028 सूक्त है भाई। हर सूक्त जो है उसके अंदर काफी ज्यादा मंत्र है, और ऋग्वेद में जो कुल मंत्रों की जो संख्या है, टोटल जो मंत्र हैं, वो है 10,580। इसको 10 मंडल में बांटा गया है, 10 मंडल। बांटा गया है ऋग्वेद में जो फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट जो और लास्ट एंड टेंथ जो मंडल है, ये लास्ट में जोड़ा गया है ऋग्वेद लिखने के बाद। कारण क्या है, अभी हमें कैसे पता चला कि ये जो है फर्स्ट और टेंथ है ये आखिर में जुड़े, क्योंकि जो पहले की और दसवें मंडल की दोनों की जो लैंग्वेज है ना, वो वेद ऋग्वेद में जो बाकी जो आठ और मंडल लिखे हुए हैं उनसे क्या है, डिफर है। तो उसको पढ़ने से लगा कि भाई शायद ये बातें बाद में लिखी गई। इसके अंदर सबसे अधिक जो मंत्र पढ़े गए हैं, जो मंत्र लिखे गए हैं, उन मंत्रों के अंदर अग्नि, इंद्र, वरुण और इन देवताओं को, इन गॉड को सबसे ज्यादा क्या किया गया है, मंत्रों में शामिल किया गया है। ऋग्वेद में ही सबसे हमारा जो प्रसिद्ध मंत्र है गायत्री मंत्र, वो भी इसी में शामिल है। दूसरा हमारा आया सामवेद। अब सामवेद, सामवेद शब्द जो है इसका मीनिंग होता है मधुर गान। मधुर बहुत ही मतलब प्यार से किसी चीज को गाना, यानी